हेलो हेलो एवरीवन, कॉमर्स तुम्हें प्रणाम। में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। मेरे प्यारे युवा साथियों, जैसे कि ये मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेजेज ऑफ फंड्स के नाम से टॉपिक चल रहा है, पिछली क्लासों में हम लोगों ने यह जाना कि जो फंड्स क्रिएट किए जाते हैं तो फिक्स कैपिटल और करंट कैपिटल के लिए किए जाते हैं। करंट कैपिटल को जब हम लोग अरेंज करते हैं तो करंट कैपिटल के कॉन्सेप्ट दो होते हैं, क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट एंड क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट जो होता है उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं और क्वालिटेटिव को हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्वालिटेटिव वाले ये माना करते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो टोटल ऑफ द करंट एसेट्स होती है, और क्वालिटेटिव वाले मानते हैं कि सी ए माइनस सी एल अगर कर दे तो हमारी जो है वर्किंग कैपिटल आ जाती है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या, कितने तरह की होती है, वर्किंग कैपिटल के प्रकार जाने, उसको हमने एनालिसिस किया, ठीक है। और कल फिर हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो जाती है फर्म में तो क्या उसका नुकसान होता है। आज हम जानेंगे कि अगर कम हो जाती है तो क्या नुकसान होगा, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो यह पढ़ने वाले हैं कि हमको वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम चाहिए, न ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए। हम लोग इसका हिसाब लगाएंगे, हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि फर्म के अंदर वर्किंग कैपिटल इतनी ज़्यादा भी ना हो कि जिससे जो है बेकार पड़ी रहे, और वर्किंग कैपिटल इतनी कम भी ना हो कि हमारे काम ना हो पाए। तो इसलिए ज़्यादा कैपिटल होने के क्या नुकसान है, कम वर्किंग कैपिटल होने के क्या नुकसान है, इसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, आप लोग जिस प्रकार से मुझे स्नेह प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने लाइक के माध्यम से, और मुझे बड़ा उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और निश्चित ही मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं ये बातें। और मैं जितना भी मेरे पे ज्ञान है, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं संपूर्ण ज्ञान लगता हूँ कॉमर्स का, जितना भी मेरे पे ज्ञान है पूर्ण डेडिकेशन के साथ 100% समर्पण के साथ मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। बिना कोई बिना कोई मेरा जो है अंदर से ये नहीं कि जो है कुछ रिटर्न मैं आपसे चाहता हूँ, बस एक रिटर्न मैं आपसे ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, आप लोग इनको प्रॉपर नोट्स बनाएं। ये आपके लिए यहीं हेल्प नहीं आने वाले, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होंगे आगे आगे आप जब बढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस प्रकार से प्रॉपर नोट्स हैं, एक एक चीज़ का इसमें जो है विश्लेषण किया गया है, एक एक चीज़ की जानकारी इसमें दी गई है। तो बस मेरी यही एक इच्छा है कि आप लोग इसको एक एक चीज़ को समझें और जो है आप लोग अपनी ज्ञानवर्धन करें। जितना भी मेरे पास है मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस आप आगे बढ़िएगा और जो है इसको खूब जो है पढ़िएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है साथियों तो उस पर लाइक कमेंट ज़रूर डाला करें, और जो है अपने साथियों में जो ऐसे साथी हैं जिनको अभी मौका नहीं मिला है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके पास कोई अभाव है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, वो भी इसको शेयर कर सकें। सो कम द पॉइंट, डिसएडवांटेज में हम लोगों ने कल पढ़ा एक्सिस वर्किंग कैपिटल के क्या दोष होते हैं, जिसमें हम लोगों ने साथियों जाना कि कलेक्शन ऑफ अननेसेसरी स्टॉक, अगर स्टॉक ज़्यादा रखने लगते हैं हम लोग, देनदारों से वसूल नहीं कर पाते जिससे बैड डेट्स बढ़ जाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं माना जाता है, जो शेयर होल्डर है उनमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है, ऐसे करके हम ये पॉइंट पढ़े थे। और इसमें जो है ये तीन पॉइंट हमारे रह गए थे यहाँ पर, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, धन का दुरुपयोग हो जाता है, सीधी सी बात है धन का दुरुपयोग होगा ही होगा जब ज़्यादा कैपिटल होगी, बैड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, हमारे पास पैसा है ज़्यादा और हम लोग प्रोडक्शन करने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब रिसोर्सेज का हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, और हम लोग क्रेडिट पॉलिसी को जो है, जो हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी का मतलब हो गया कि हम लोग जो डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो लाभांश देते हैं उसको यहाँ पर क्रेडिट की जगह आप लोग डिविडेंड पॉलिसी कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड को हम लोग इतना ज़्यादा दे देते हैं कि अपने लिए भी हम लोग नहीं बचा पाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। तो ये ध्यान में रखना है कि इतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल हो जाती है कि जिसके कारण से हम लोग उस कैपिटल को, उस पैसे को हम लोग डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, हम लोग दोबारा उसको रीइन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, और कि अगर कम रह जाती है, अब तक हमने जाना कि अगर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होती है तो क्या नुकसान होता है, और अब हम जानेंगे कि अगर वर्किंग कैपिटल कम रह जाती है तो क्या होने वाला है, डिसएडवांटेज ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी के दोष। तो पहला कह रहा है अल्पकालीन दायित्व का भुगतान समय पर न होना। सही बात है, अगर हमारे पास पैसे कम होंगे तो हम लोग
पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे क्रेडिटर है जिससे हम लोग माल खरीदते हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे किसी भी सैलरी का, वेजेस का, एम्प्लॉयज़ का, उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो दिस इज़ ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। अगर हम समय पे पेमेंट नहीं करेंगे तो हमको वो लोग माल आगे नहीं देंगे, माल आगे नहीं देंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग प्रॉफिट सेल नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, तो कितना नुकसान हमको होने वाला है। दूसरा, इसका गुडविल इफेक्ट होती है हमारी, अगर हम टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे तो लोग कहते हैं कि तो पैसा देता ही नहीं है, तो लोग हमें आगे दूसरी वाली पार्टी भी हमको माल देने के लिए तैयार नहीं होगी, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। दूसरा कह रहा है, प्रचुर मात्रा में क्रय और नगद छूट लाभ लेने में असमर्थ, अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अबंडेंट परचेजिंग एंड कैश डिस्काउंट। सही बात कह रहा है कि अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम बल्क में नहीं खरीद पाते हैं, और बल्क में ना खरीदने के कारण से ना तो हम कैश डिस्काउंट ले पाते हैं और ना ही हम कोई जो स्पेकुलेशन मार्केट होती है उसका हम लोग बेनिफिट उठा पाते हैं। जैसे सपोज़ करो कि इस समय जो है, जैसे घी बहुत सस्ता हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने क्या काम करा कि घी के टीन भर के रख लिए, क्योंकि मार्केट में अब गर्मी आएगी, गर्मी आने के कारण से दूध कम होगा, दूध कम होगा तो कोरोना के कारण से लॉकडाउन जो लगा वो भी खुलेगा, तो खपत बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ते चले जाएंगे। तो लोगों ने क्या काम करा कि जिनके पास पैसे हैं वही तो भर सकते हैं घी के टीन, जिनके पास नहीं है वो कैसे भरेंगे। तो जिन लोगों ने भर लिए 4,000 के या 4,100 रुपये के, वो जो है बाद में मार्केट में जाके 5 का 6 का जैसे भी बेचेंगे, 1,000 एक टीन पे कमा लेंगे। और अगर मान लीजिए किसी आदमी ने अगर 100 टीन भी भरे तो आराम से 1,00,000 रुपये कमा लेगा। तो ये कब कमाया, जब उसके पास पैसा था जब ही तो कमाया है ना। दूसरी बात, अगर किसी को हम पेमेंट हैंड टू हैंड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, कैश डिस्काउंट मिलती है, तो कैश डिस्काउंट भी हमको नहीं मिल पाएगी। एक तो हमारे पास पैसे अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है, वर्किंग कैपिटल इसलिए प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है, नो टाइमली पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट टाइम से नहीं हो पाता, ये तो हम जानते ही हैं कि किसी भी सैलरी का, वेजेस का, कमीशन का, इंटरेस्ट का, ये जो ऑपरेटिंग होते एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस में किए जाते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझ लीजिएगा, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिससे बिजनेस ऑपरेट होता है, अगर उनको करना बंद कर दिया जाए तो बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे क्रेडिटर का पेमेंट करना, जैसे सैलरी देना, जैसे कमीशन, जैसे वेजेस, जैसे किराया ऑफ रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, इंश्योरेंस ऑफ द मशीन, गुड्स एंड एम्प्लॉयज़। तो इनसे ऑपरेट हो रहा है, अगर इनको किसी को भी हमने मान लीजिए सपोज करो किसी को हमने सैलरी देने बंद कर दिया तो वो काम करना बंद कर देगा, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जिनका बिजनेस से तो रिलेशन नहीं होता, सॉरी बिजनेस से रिलेशन तो होता है बट प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता, सेल से रिलेशन नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि हम लोन ले रखा है, उसमें हमें ब्याज देना, इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट जो हमको देना है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट हम लोग टाइमली नहीं कर पाते हैं। डिक्लाइन रिटर्न रेट, मैंने आपको बताया कि प्रत्यय दर में गिरावट, हम लोग जो अर्न करते हैं उस अर्न जो हम लोग जिस रेट से अर्न कर रहे होते हैं उसमें कमी आ जाती है। मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि जब हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो पीछे से माल नहीं मिलेगा, पीछे से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो सेल नहीं हो पाएगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सब चीज़ें जो है कम होती चली जाएंगी, इसलिए रिटर्न रेट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। नंबर 5 कह रहा है, इम्पॉसिबल टू यूज़ परमानेंट एसेट्स एफिशिएंसी, स्थायी संपत्ति कुशलता पूर्वक उपयोग असंभव हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास स्थायी संपत्तियाँ होती हैं उनका हम ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग यूँ नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम उनका यूटिलाइजेशन, जैसे हमारे पास मशीन है, ठीक है, अब मशीन है हमारे पास, अब एक मशीन जो है हमारे पास है, सपोज करो प्रोडक्शन करते हैं तो हम इस पे से एक दिन में जो है हम लोग 100 यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हैं, 100 यूनिट हम इस पे बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है रॉ मटेरियल के लिए, हम एक दिन में बनाते हैं सिर्फ 30 यूनिट, तो हम लोग 70 यूनिट नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब मशीन हमारी खाली पड़ी रहेगी, डेप्रिसिएशन उतना ही लगेगा, फिक्स चार्ज उतने ही लग चुके हैं, ठीक है, और जो कंजप्शन ऑफ लाइट है वो भी उतना ही लगेगा। ओके, तो अब देखिए 100 बनाते तो हमको खर्चा कम होता, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी कम आ जाती और प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता, बट हम क्या कर रहे हैं 30 बना रहे हैं, किसके कारण से पैसा कम है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। तो इसने कह रहा है इम्पॉसिबल टू यूज़ परमानेंट एसेट्स एफिशिएंसी, उसकी स्थायी संपत्ति कुशलतापूर्वक जो है उपयोग असंभव हो जाता है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नंबर 6, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की हानि। देखिए पैसा जिसकी जेब में होता है वही अपॉर्चुनिटीज़ को भुना लेता है,
जैसे सपोज़ करो कि इस समय आप लोग क्या काम कर रहे हैं, देख रहे होंगे मार्केट में कि क्योंकि इस समय डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। शादियां हो नहीं रही हैं, हलवाइयों की दुकान खुल नहीं रही है, और कोई हॉल मॉल, ठीक है, और जो है जितने भी रेस्टोरेंट है सब बंद हैं। तो क्या हो रहा है, बाज़ार में सब्जियां बहुत बहुत मंदी हो गई हैं, सब्जियां मंदी हो गई हैं। हमको पता ही नहीं होता कि आज हम लोग जो है टमाटर लेने जा रहे हैं 10 रुपये किलो मिल रहे, कल को पता नहीं क्या रेट होने वाला है, बढ़ेगा घटेगा। हम आज ले लेते हैं, पता चला कल को और रेट डाउन हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आप लोग घर से गए, आपको पता चला कि 10 रुपये किलो वाले टमाटर 2 रुपये किलो बिक रहे हैं। अब आपकी जेब में पैसा है नहीं, जेब में पैसा है नहीं, आप 10 रुपये भी घर से लेके नहीं गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपॉर्चुनिटीज को खो देंगे। वरना आप क्या करते, 2 रुपये किलो टमाटर लेकर आते, 5 किलो टमाटर लेकर आते, 10 रुपये के आप 5 किलो टमाटर लेकर आते, उससे आप लोग कुछ भी बना सकते थे। आप सॉस बनाओ, उसकी जो है चटनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आपने उस अवसर को खो दिया क्योंकि आपके पास कैश नहीं था, लिक्विडिटी नहीं थी। आई होप आपको समझ में आएगा। यही एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले लेते हैं बिजनेस के अंदर, कि अगर आपके पास पैसा है तो मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से जो भी चल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आई है, उसको हम लोग तुरंत कैश कर लेते हैं, और अगर हमारे पास कैश नहीं होता तो हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। यही कारण है कि MSME के नाम से, या ये जो आत्मनिर्भर भारत के नाम से इकोनॉमिक्स को वुड बिल्डअप करने के लिए मोदी सरकार ने जो ये फैसले किए हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ को बनाने का एक प्रयास है। हम लोग को अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए। 1 साल तक बिना कलेक्टरियल्स के, बिना कुछ गिरवी रखे हुए लोन मिल रहा है लघु उद्योगों को, मझले उद्योगों को। तो इनमें से बहुत सारे लोग क्रिएटिव होंगे, उनको जो भी जिस काम को करते हो उनसे कलेक्टरियल सिक्योरिटीज़ के बिना लोन लेकर उस काम को करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ है। रिवर्स इफेक्ट ऑन डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति पर विपरीत प्रभाव होता है। जब हमारे पास पैसा है नहीं तो हम डिविडेंड देंगे कहाँ से भैया, और डिविडेंड देंगे नहीं तो शेयर होल्डर सेटिस्फाई कैसे होंगे। शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मार्केट में हमारी शेयर की रेट गिर जाएगी, शेयर की रेट गिर जाएगी तो नेटवर्थ कम हो जाएगी, नेटवर्थ कम हो जाएगी तो हमारी जो कैपिटल है वो ख़त्म, कैपिटल ख़त्म, मार्केट में रेपुटेशन ख़त्म, रेपुटेशन ख़त्म, जिसके कारण से हमारी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी सब खत्म होती चली जाएगी। रिवर्स इफेक्ट ऑन मैनेजमेंट मॉरल, मैनेजमेंट का जो मॉरल है वो भी डाउन हो जाता है, प्रबंध जो करने वाले लोग हैं वो भी तो निराश हो जाएंगे। जब सफलता हासिल हो ही नहीं रही है तो क्या करेंगे, तो सब लोग जो है क्या हो जाएंगे, उसके अंदर निराशा हाथ लग जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आज के ये पॉइंट में। साथियों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे आपसे। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल फिर पुनः मुलाकात करेंगे। हाँ, कल जो आपका टॉपिक चलेगा वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल हम लोग पढ़ेंगे, कार्यशील पूंजी के स्रोत। ये नॉन कॉम्पिटेटिव और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, और बहुत डीपली इस पर हम लोग चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको प्रॉपर देखते रहिएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।